नमस्कार। आज फिर से हम हाजिर हैं। संसद के जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने लोकसभा का अध्ययन किया, आज हम इसके जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड इसका अंग है, एक अंग हमने लोकसभा का अध्ययन कर लिया है, आज हम पढ़ते हैं राज्यसभा। लोकसभा में हमने वही सदस्य संख्या, निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यता है, कार्यकाल है, उसके पदाधिकारी है, उनका अध्ययन किया था। मतलब हम इसको पांच या पांच जो टॉपिक है, पांच बिंदु है, उसमें हमने इसका अध्ययन किया था। आज उसी प्रकार हम राज्यसभा का अध्ययन करते हैं, वही सदस्य संख्या, निर्वाचन पद्धति, सदस्यों का जो योग्यता है, कार्यकाल क्या है, इन सब का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा आज का संसद की जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो। तो चलो शुरुआत करते हैं इसकी। आज हम जो इसका स्थायी सदन है, संसद का जो स्थायी सदन है, राज्यसभा, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं स्थायी सदन या उच्च सदन या राज्यों का सदन। इस नाम से इसको जानते हैं। इस स्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हम जो अपना संसद का जो अंग है, सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, ये परमानेंट है, ये स्थायी है। तो चलो शुरू करते हैं। उसी प्रकार सबसे पहले सदस्य संख्या, नंबर एक सदस्य संख्या, ठीक उसी प्रकार पढ़ेंगे जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा था। यहाँ रहेंगे हम राज्यसभा, वही दो भागों में बांटेंगे, एक यहाँ आएगा अधिकतम और एक यहाँ आएगा वर्तमान। अधिकतम हो सकता है 250 और वर्तमान में है 245। अधिकतम हो सकता है 250, वर्तमान होगा 245। इसको भी वैसे दो भागों में बांटते हैं, निर्वाचित है। अब निर्वाचन कौन करता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, और दूसरा मनोनीत। इसमें मनोनीत होते हैं 12, तो बाकी बच गए 238। 12 कौन होते हैं, कौन निर्वाचित करता है, राष्ट्रपति। किनको, जो खेल, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोग, करने वाले लोग, इनको राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित, सॉरी मनोनीत किया जाता है। अब बच गए निर्वाचित, निर्वाचित राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। अब इसको हम इधर आते हैं, इसको जो है जैसे हम बांटा है, दो बार वो बांटेंगे निर्वाचित और यहाँ आएगा मनोनीत। हमने जैसे लोकसभा में देख लिया था मनोनीत 2 स्थायी है, तो यहाँ भी जो मनोनीत है वो 12 स्थायी है, बाकी जो कम हुए वो इन निर्वाचित में से होंगे। 245 में से 12 गए तो 233 बचते हैं जो राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं, राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, तरीका वही है, प्रत्येक व्यक्ति से समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इसको निर्वाचित किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं। कहने का मतलब है, इनको जो हमारे एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम कहते हैं विधानसभा सदस्य या विधायक, वो चुनते हैं। इनके जो सदस्य होंगे उनको हम एमपी कहते हैं। तो कहने का मतलब राज्यसभा के एमपी को एमएलए चुनते हैं। जैसा मैंने उसे इसका पढ़ा था, उसे इसका उल्लेख किया गया है।
इसका हम टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सदस्य संख्या क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। निर्वाचन पद्धति, इसकी जो निर्वाचन पद्धति है अप्रत्यक्ष विधि से समानुपाती है, प्रतिनिधित्व समानुपाती है, प्रतिनिधित्व विधि या प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति। एकल संक्रमण मत पद्धति कहने का मतलब जहां पर अप्रत्यक्ष विधि आ गई तो अप्रत्यक्ष विधि में जनता भाग नहीं लेती। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि जब बीच में इस्तेमाल की जाती है तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है और न्यूनतम जो कोटा होता है वो पहले से तय होता है। लेकिन जो मतदाता होते हैं या जो मतदान में भाग लेते हैं, जैसे इसके मतदान में एमएलए भाग लेते हैं, वो एक वरीयता क्रम में वोट डालते हैं और मतों की गिनती करते वक्त जब पहली वरीयता में किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है तो विजेता होता है। अगर पहली वरीयता में कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर रहा है तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती नहीं होती है और दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में न्यूनतम कोटा प्राप्त हुआ तो ठीक है, लेकिन जो पहली वरीयता में जो वोट प्राप्त हुए थे वो बांट दिए जाते हैं। जो लास्ट में होता है जिसमें सबसे कम वोट मिलते हैं उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया को दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता, चौथी वरीयता तब तक इसको सुचारू रूप से बरकरार रखा जाता है, चालू रखा जाता है, मतों की गिनती नहीं जाती तब तक कि उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। अगला जो पॉइंट है सदस्यों के लिए योग्यता, जैसे हमने उसमें पढ़ा था नंबर एक भारत का नागरिक हो, नंबर दो वो लाभ के पद पर ना हो, आसीन ना हो, नंबर तीन 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और नंबर चार पागल न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। इस प्रकार की योग्यता है, ये याद रखना जो आयु है बाकी और योग्यता सेम होगी। जैसे हम कार्यपाल पढ़ेंगे जो राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो ये आयु हमने लोकसभा में 25 वर्ष पढ़ा था, राज्यसभा में आगे 30 वर्ष और जैसे राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो ये जो आयु है वो 35 वर्ष हो जाएगी। तो लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35, लोकसभा 30, लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की और राज्यपाल राज्यपाल उनकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। इस प्रकार ये न्यूनतम जो योग्यताएं है वो होती है। नंबर चार लेते हैं कार्यपाल, हमने अभी देखा कि राज्यसभा की स्थायी सदन है, इसलिए इसको सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन है
तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ये साइज है तो राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है एवं इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में अपना कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चूंकि ये क्या कह रहा है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए कभी बंद नहीं होता, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो इससे हम 2-3 चीजें समझते हैं। एक होता है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और फिर क्या कह रहा है, एक तिहाई सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्ष में कितना पूरा कर लेते, 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में कार्यकाल पूरा कितना कर लेते, 6 वर्ष। थोड़ा सा अगर आपको ये मिसकम्युनिकेशन लग सकता है कि 2 वर्षों में 6 साल कैसे पूरे होंगे, तो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे जैसे हमें अभी खाता लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 245 वर्तमान में, तो हम इसको एग्रीगेट कर लेते हैं 240, अगर हम 240 करते हैं, 240 करेंगे तो 3 बार हम बांटेंगे तो 80 रहेंगे। ये तो कह रहा है एक तिहाई सदस्य पते 3 में से एक सदस्य 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो हम इसको 3 बार हम बांट लिया 240 कर लिया लगभग ये। अब हम इसको समझते हैं कि मान लो इनका निर्वाचन 5 हुआ है, इनका निर्वाचन कब हुआ, 5, इसको एकदम समझ लें, इनका निर्वाचन अगर 5 हुआ है तो इनका कार्यकाल है 0 वर्ष, इनका कार्यकाल कितना है 0 वर्ष। अब हर 2 साल में आएंगे दूसरे, तो इसके 2 साल बाद ही आएगा, 2 वर्ष बाद, ये ध्यान रखना, 2 वर्ष बाद इनका कार्यकाल होगा 0, इनके 2 साल बाद आए तो इनका कार्यकाल कितना हो गया, 2 वर्ष। इनके 2 साल बाद ही आए तो 2 साल बाद 5 हो गया, ठीक है, तो इसका कार्यकाल 0 हो गया 2। अब फिर इनके 2 साल बाद ही आएंगे तो इनका हो जाएगा 2, इसके 2 साल बाद ही आए तो ये हो गए 2, ये 0 इनका कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसके 2 साल बाद फिर एक तीर कर देंगे, इनके 2 साल बाद ये एक तीर कर देंगे, इसका कार्यकाल कितना हो गया, इसके 2 साल बाद ये कितना हो गया, 6, 6 हो गया, तो जाएगा ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इसके 2 साल बाद फिर आएंगे तो ये 4 और 2 6, 6 हो गया कट जाएगा 0, ये 2 हो गया, ये 4, इसके 2 साल बाद 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0, 2, ये 4। इस प्रकार हर 3 में से अब ये हट गए तो ये बच गए, ये हट गए तो ये बच गए, ये हट गए तो ये बच गए, तो ये सदन कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए हम इसको स्थायी सदन कहते हैं। और यही कारण है कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ध्यान रखना है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदस्यों का कार्यकाल होता है और वो कार्यकाल 6 साल का होता है, और हर 2 साल में एक एक सदस्य अपना कार्यकाल पूर्ण करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमने उसका 4th टॉपिक पढ़ा था पदाधिकारी, सॉरी 5वां पदाधिकारी,
इसके दो पदाधिकारी होते हैं, एक एकदम सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। उधर हम लोकसभा में कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जो सभापति होता है लोकसभा का, एक पदेन सभापति होता है, पदेन का मतलब पद धारण करने का, और वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन, पदेन का मतलब पद धारण करने के कारण। मतलब कोई व्यक्ति ने मान के उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लिया तो वो अपने आप ही क्या बन जाता है, राज्यसभा का सभापति बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति पद का पद को धारण करता है तो वो हमेशा राज्यसभा का सभापति बन जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति है इसलिए राज्यसभा का सभापति हो जाता है। ध्यान रखना ये सीधी सी बात है कि राज्यसभा का जो सभापति है या सभापति है इज इक्वल टू होगा उपराष्ट्रपति। और ये अगर उपराष्ट्रपति है तो अपने आप क्या होगा, राज्यसभा का सभापति। सभापति उपराष्ट्रपति सभापति, उपराष्ट्रपति सभापति होगा, सभापति है तो सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति ही होता है। तो इसका कार्यकाल हमारे उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब आता है उपसभापति। यह होता है राज्यसभा सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है। राज्यसभा सदस्य अपने आप में से एक को चुनते हैं और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ध्यान रखना है इसका कार्यकाल 6 वर्ष क्यों होता है, क्योंकि राज्यसभा सदस्यों द्वारा ही। और राज्यसभा सदस्यों कैसे चुनता है, मतलब उपसभापति कौन होगा, जो राज्यसभा का सदस्य होगा वो राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और चूंकि राज्यसभा के किसी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है इसलिए उस सदस्य होने के नाते उपसभापति बनता है। तो अपने आप ही सभी उपसभापति बन रहा है, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार हमारे राज्यसभा जो है 5 बिंदुओं में कम्प्लीट होती है। इसको हम सदस्य संख्या, निर्वाचन पद्धति, योग्यताएं, कार्यकाल और पदाधिकारी, बहुत आसान है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है विधायिका को समझना। ये हमारा जो टोटल विधायिका मतलब संसद है उसकी जो संरचना है वो कम्प्लीट होती है। अब इसका हम जो सेकेंड पार्ट है इसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा किया था कि हम जो इसकी शक्तियां हैं इसके बारे में निर्णय करते हैं। वही वापस लेते हैं संसद और इसकी शक्तियां एवं कार्य। वही बात है, जो कार्य है वही शक्ति हो सकती है, वही कार्य होता है। नंबर 1, जैसा नाम इसका विधायिका, तो पहला काम है विधायी कार्य। सबसे पहला काम क्या है, विधायी कार्य। संसद है तो केंद्रीय विधायिका है, और केंद्रीय विधायिका मतलब किस विषय पर, संसूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण का कार्य करती है। जो भी कानून है उसका जो प्रारंभिक जो प्रारूप होता है उसको हम कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं उसको, विधेय। विधेय किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बस अर्थ विधेय।
विधेयक धर्म विधेयक नहीं हो। अगर विधेयक धर्म विधेयक है तो केवल लोकसभा पर पेश होगा, उसके ऊपर राज्यसभा के पास बहुत नाम मात्र की शक्तियां हैं, इसकी वित्तीय शक्तियों में पढ़ेंगे। विधेयक के कानून निर्माण के लिए तीन प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तीन प्रकार के वाचन होते हैं। नंबर एक प्रथम वाचन, नंबर दो द्वितीय वाचन और नंबर तीन संपूर्ण कौन सा हो गया तृतीय वाचन। प्रथम वाचन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है या प्रस्तुतिकरण, कहने का मतलब सभापति से अनुमति मांगकर विधेयक को किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन में इसके ऊपर चर्चा होती है, विधेयक में के ऊपर विस्तृत चर्चा होती है और तृतीय वाचन में इसके ऊपर होता है मतदान। मतदान में अगर ये पास हो जाता है या यहाँ से दो तीन गो मसे का कौन सा विधेयक है, अगर साधारण विधेयक है तो दो तीन गो मसे जो उपस्थित सदस्य हैं उनके दो तीन गो मसे पास हो गया, यहाँ से ये पास होने के बाद कहाँ जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में वही तीन प्रकार के वाचन होंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय, वही प्रस्तुतिकरण तथा और मतदान। यहाँ से मतदान में वही दो तीनों में से पास बात के लिए जाएगा राष्ट्रपति के पास। मतदान पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने अगर किसी के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो यह विधेयक क्या हो गया कानून, हमारे कानून संविधान का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ ये विधेयक का और यहाँ क्या हो गया कानून बन गया। विधेयक से कानून बनने की जो प्रक्रिया है उस जो कार्य है हम उसको भारतीय संसद का विधायी कार्य कहते हैं। पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, अगर धर्म विधेयक है तो लोकसभा में ही आएगा। प्रथम वाचन द्वितीय वाचन तृतीय वाचन यहाँ मैंने लोकसभा में पेश किया है तो यहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाएगा और अगर यहाँ राज्यसभा में रखा है तो पास होकर यहाँ से लोकसभा में जाएगा। अगर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतभेद की स्थिति है तो संयुक्त अधिवेशन होगा, संयुक्त अधिवेशन होगा और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और संयुक्त अधिवेशन के बाद इसको पास किया जाता है, मतभेद की स्थिति में ऐसा किया जाता है। इस प्रकार ये विधेयक पूरा हो जाता है। नंबर दो संविधान संशोधन का कार्य, हो गया तो संविधान संशोधन का कार्य अनुच्छेद 368 भारत ये संविधान है, संविधान के संशोधन संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त होती है। इसको तीन प्रकार के जो विधेयक हैं तीन प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। नंबर एक इसको हम कह सकते हैं साधारण बहुमत, नंबर दो विशिष्ट बहुमत और नंबर तीन विशिष्ट बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा विधानसभाओं की स्वीकृति। इस प्रकार तीन प्रकार संविधान संशोधन का कार्य किया जाता है, जो साधारण विशेष आते हैं या संविधान को साधारण बंद साधारण से मतलब उपस्थित कर देते हैं। यहाँ उपस्थित का दोती और गुण का दोती प्रत्येक बहुमत के साथ कुछ में परिवर्तन किया जाता है
और कुछ में शिष्य बहुमत है, मतलब उनका द्वितीय ही और आधे से अधिक राज्यों के विधानसभा इसमें करनी जरूरी होती है। यहाँ पर इस संविधान संशोधन विधेयक, संविधान जो संशोधन विधेयक होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। संविधान संशोधन में दोनों जो हमारे सदन के जो अंग होते हैं, सदन संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है, ना लोकसभा ज्यादा है ना राज्यसभा कम है, दोनों में वही ये प्रक्रिया बनाई जाती है, दोनों में पृथक पृथक उसको पास होना जरूरी माना जाता है। नंबर तीन हो गया वित्तीय शक्तियां, इसमें हम भारतीय संसद को दो भाग में बांट सकते हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। वित्तीय शक्तियों में जो वित्त विधेयक धन विधेयक धन के ऊपर नियंत्रण जिसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 110 में दे रखा है, उसको केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से, राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल धन विधेयक को लिख लेते हैं, धन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां से पास होने के बाद हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा के पास या तो राज्यसभा को पास करते, तीन प्रकार के ऑप्शन होते हैं, या तो पास करते या उसके ऊपर कुछ संशोधन सुझाए लोकसभा को, या क्या करते हैं अपने पास रख ले, पास कर दिया तो ठीक है, संशोधन अगर सुझाया तो ये निर्भर करता है लोकसभा को मानेगी कि नहीं मानेगी, रख लिया कितने दिन तक रखती क्या कर सकती है तो 14 दिन तक इसको रख सकती है, अगर 14 दिन के ऊपर इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया तो इसको पास मान लिया जाता है। कहने का मतलब धन विधेयक के ऊपर राज्यसभा को नाममात्र की शक्तियां दी गई है, राज्यसभा धन विधेयक पर पास कर सकती है, कुछ संशोधन सुझा सकती है, संशोधन को मानना न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है, और 14 दिन तक उसको लंबित रख सकती है, 14 दिन तक फैसला नहीं लिया तो अपने आप पास मान लिया जाता है। ये धन विधेयक हो गया, इसके अलावा नंबर ये धन विधेयक, इसके अलावा जो बजट है पर नियंत्रण होता है, हमारी जो संसद है बजट पर नियंत्रण करती है, कैसे करती है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से कार्यपालिका को आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है संसद को, जिसको हम क्या कहते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण, ये फरवरी मास में पेश किया जाता है, फरवरी मास में पेश किया जाता है, बजट पेश करती है संसद में पूरे साल का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना पड़ता है, और बजट स्वीकृति के बाद ही उसकी जो मांगे हैं अनुदान उसको लागू किया जा सकता है। उसके अलावा जो संचित निधि है उसके ऊपर भी संसद का नियंत्रण होता है, नए कर लागू करना है, पुराने कर को हटाना है, करों की जो रेट है उसमें वृद्धि करना है, ये सब कुछ नियंत्रण जो संसद के पास है होता है। नंबर तीन इसका टॉपिक आता है प्रशासनिक शक्तियां, नंबर चार प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियों से मतलब हम ले सकते हैं कार्यपालिका शक्ति या कार्यपालिका पर नियंत्रण,
ये कार्यपालिका को नियंत्रण कुछ महत्वपूर्ण जो उपज होते हैं या महत्वपूर्ण जो विषय के माध्यम से करती है। नंबर एक होता है शून्यकाल, संसद की जो दोनों सदन होते हैं इसके ऊपर बराबर का अधिकार है कि यहाँ तक बराबर का अधिकार है, दोनों को बराबर की शक्ति है लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अविश्वास जो प्रस्ताव है ये केवल और केवल लोकसभा में ही आता है। अविश्वास प्रस्ताव ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पास हो जाता है तो सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ता है। सरकार में जो प्रधानमंत्री है या कहने का मतलब सरकार ही पैदा हो जाती है, सरकार को निरस्त या पदस्थ मान लिया जाता है, वह इस वजह से या तो विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या फिर इसके चुनाव होते हैं। यह होता है प्रश्नकाल सत्र के दोनों सत्रों का जो संचालन का पहला एक घंटा होता है उसमें जो प्रश्नकाल होता है जिसमें मंत्रियों से सभी जो संसद के सदस्य हैं वो सवाल करते हैं। शून्यकाल एक घंटे के बाद का जो समय होता है, पहले घंटे के बाद का नोट किया जा सकता है। इस प्रकार जो प्रशासन शक्ति है मतलब जो संसद है वो कार्यपालिका है प्रशासन पर नियंत्रण करने का काम करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है अविश्वास प्रस्ताव, अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पारित हो जाता है तो सरकार को सदस्य होना पड़ता है। और ये महत्वपूर्ण शक्ति होती है, कहने का मतलब है हमारी अंतर संसदीय शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अगर निसंबंध होता है, कार्यपालिका अनिवार्य रूप से विधायिका का अंग होती है और अपने कार्यकाल के प्रति कार्यपालिका विधायिका के ऊपर निर्भर होती है। अगर विधायिका में कार्यपालिका को बहुमत है तो कार्यपालिका पद पर रहेगी, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट पांच नंबर का टॉपिक है वो है निर्वाचन संबंधी नंबर पांच निर्वाचन संबंधी शक्तियां। ये दो लोगों का या दो पदों का निर्वाचन करती है, नंबर एक राष्ट्रपति और नंबर दो उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 54 और यहां अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदन ही मिलकर निर्वाचन उसका करते हैं। तो ये एक प्रकार का निर्वाचन है, उसमें निर्वाचन मंडल के रूप में काम करती है। यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के विधानसभा मतलब यहाँ सीधा से याद करना है यहाँ MP प्लस MLA जो MLA होते हैं विधानसभा सदस्य इनको और शामिल किया जाता है। इनका जो न्यूनतम कोटा है वो अलग अलग, निर्वाचन का जो मतदान है वो अलग अलग होता है कार्यपालिका में करेंगे तो MP और MLA दोनों। तो ये MP हो गए, इसमें जो संसद के सदस्य वो MP हो गए, विधानसभा सदस्य MLA हो गए, वो और होते हैं। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार ये निर्वाचन संबंधी जो कार्य है वो करती है। नंबर 6 होगी विविध शक्ति। विविध शक्तियों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है महाभियोग,
महाभियोग, और नंबर दो आपातकाल का अनुमोदन। विभिन्न स्थितियों में दो प्रकार के शक्ति होता है संसद के पास है, एक होता है महाभियोग और दूसरा आपातकाल पर अनुमोदन। महाभियोग के लिए जो लाया जाता है ये राष्ट्रपति, नंबर दो उपराष्ट्रपति, और नंबर तीन जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर महाभियोग। कहने का मतलब कि तीन लोगों के आचरण की कहीं भी चर्चा की जा सकती है तो वो है केवल संसद, और इनको हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल की गई है। तो संसद को इन तीन लोगों को महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो इनको हटाने के लिए जटिल प्रक्रिया अपनाई गई है, और ये अधिकार, कहने का मतलब इनके के व्यक्तिगत हो या इनके कार्यों का आचरण या कार्यकलापों की चर्चा केवल कहीं की जा सकती है, वो संसद है, और संसद को इनको हटाने का अधिकार है होता है। नंबर दो आपातकाल का अनुमोदन, हमको पता है कि तीन प्रकार से आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगर ये आपातकाल कहीं भी किसी अनुच्छेद के माध्यम से लगा हुआ है तो एक माह के भीतर जो संसद से अनुमोदित स्वीकृत कराना जरूरी होता है, अगर ऐसा नहीं तो आपातकाल को हटा दिया जाता है, वो आपातकाल को निरस्त कर दिया जाता है। तो आप राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद की सिफारिश के माध्यम से लगाया गया आपातकाल है वो आगामी एक माह के भीतर संसद से स्वीकृत कराना आवश्यक होता है। इस प्रकार की दो शक्तियाँ होती है, नंबर एक महाभियोग, नंबर दो आपातकाल का अनुमोदन उसकी स्वीकार की। ये इस प्रकार की जो संसद है, हमारी संसद के जो दोनों चरण है वो संयुक्त रूप से मिलकर ये जो पांच चार प्रकार के जो कार्य है वो करते हैं, और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था विधायक वो इन दो लेक्चर्स के माध्यम से खत्म होता है। पहले लेक्चर में हमने संसद के वो प्रारंभिक स्वरूप है और जो हमारी लोकसभा है उसकी संरचना